आज का विषय डॉक्टर जयसिंह चौटाला जी ये है कि मंडियों के अंदर गेहूं कनक आ चुकी है, उसकी खरीदारी को लेकर सरकार ने क्या आगे कदम उठाए और किसानों को कब तक उसकी पेमेंटें होंगी? सरकार टोटल अपडेट साथ के साथ दे रही है, कितनी परचेज हुई है और जो परचेज हुई है उसकी डिटेल भी दे रही है और उसके साथ साथ पेमेंट भी दे रही है, कहीं कोई डिले नहीं। और जो विपक्षी छोटी मोटी परेशानियां जो थी शुरू के दो तीन दिन में, वो बाकायदा आढ़तियों के साथ बैठ करके और किसानों की भी आढ़तियों की भी समस्या का समाधान किया गया है। हमने बार बार पहले भी कहा है, अब भी कह रहे हैं कि किसान का एक एक दाना ना केवल खरीदेंगे बल्कि उसके दर उसकी पेमेंट भी पहुंचाने का काम। सर, विपक्ष के जो मंत्री है रणदीप सुरजेवाला, उनको बार बार ब्लेम लगाया जा रहा है सीएम पे और उप सीएम पे कि खरीदारी में जैसे किसानों के साथ लोगों के पास आज और कोई काम नहीं, वो सिर्फ बयानबाजी करके कहीं मंडियों में जाके फोटो खिंचवा करके झूठी लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं, बजाय आज कोरोना जैसी डिजीज में लोगों की मदद करने के उल्टा इस तरह के इल्जाम लगा करके सरकार को उलझाने का काम करते हैं। यही रणदीप सिंह सुरजेवाला कुछ दिन पहले शराब के मामले को लेकर के दुष्यंत पे हरियाणा सरकार पे इल्जाम लगा रहे हैं और बरसों के अखबार में बाकायदा टीवी पे मैंने खुद ने सुना है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि हमें शराब के ठेके खोलने की इजाजत दी है। आज आज उनकी जबान छिपक गई, आज क्यों नहीं बोलते वो लोग? आज क्यों नहीं वो जोगिंदर पटियाल जैसे लोग जो नुक्ता चीनी करते थे, आज वो कहाँ हैं? आज वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में क्यों बात नहीं कर रहे? तो ये प्री प्लान इन लोगों का षड्यंत्र रहता है कि किसी तरीके से किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करके उसको बदनाम किया जाए, लोगों को उकसा उकसा करके झूठी बातें करके गुमराह करने का काम करते हैं। सर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, वो कोई भी बयान देते हैं या कोई भी योजना निकालते हैं साथ के साथ उसे वापस ले लेते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है प्रदेश के अंदर, इतनी हड़बड़ाहट क्यों है? ऐसा मुझे तो नहीं महसूस नहीं हो रहा, और अगर कहीं आपको महसूस हो रहा है तो आप ये सवाल मुझसे पूछें। सर, आपके माध्यम से हम उनके तक बात पहुँचाना चाहते हैं। मैं माध्यम नहीं बनना चाहूँगा इस मामले में, मैं यही कहूँगा कि आप डायरेक्ट पूछें, आप प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के लोग हैं, आपका भी उतना ही दायित्व है। डॉक्टर साहब, एक अहम मुद्दा है मिडिल क्लास के लोग, जो छोटा तबका कच्चा रसमी जा रहा है, पक्का जा रहा है, पीला कार के लिए है, गुलाटी पानी है, उनके पास जा रहा है, ये अच्छी बात है, ऐसी बात ठीक है। पर जो उस मिडिल क्लास के लोग हैं, जो हाथ नहीं हिलाते, जो मांग नहीं रखते, जो राशन लोग लाइन में लगते नहीं रखते, उसके लिए सरकार की तरफ से क्या कितना मदद हो? आप मुझे ये बताओ कि हरियाणा ऐसा प्रदेश है जहाँ पे कोई एक आदमी भूखा सोता है, और अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपके नोटिस में कहीं आए तो हमें बताएं, हम उसके घर तक पहुंचाने का काम करें। मैंने आपसे यही कहा है इस तरह के कोई भी मामले आपके नोटिस में आए तो आप हमारे नोटिस में लाएं, मैं तुरंत सरकार से भी कहूंगा, अपने लेवल पे भी कह रहा हूँ, पार्टी के लेवल पे भी, कि हम उस तक वो सुविधाएं मुहैया करवाने का काम। सर, आप जैसे मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग के दुकानें बंद पड़ी हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनके बिजली के बिल के मैसेज भी आ चुके हैं सब लोगों के पास, स्कूलों वालों के मैसेज आ रहे हैं फीस भरने के लिए, तो आज एक आदमी को रोटी का मसला है, वो फीस और बिजली के बिल कैसे भर पाएगा? ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं है, बाकायदा इसके लिए बिजली मंत्री ने भी काम दे करके कहा है और लगातार सरकार भी रोजाना इस बारे में बता रही है, और स्कूलों के लिए भी कहा गया है, आज भी जैसे मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि कुछ स्कूलों ने इस तरह के नोटिस फीस के लिए भेजे हैं, हम उनको भी सरकार की तरफ से पाबंद करवाएंगे और उनको भी रोकने का काम। ये जैसे 22 मई का बिजली के बिलों का इन्होंने लास्ट डेट दी है सर,
उसके बाद जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। तो अब जैसे लॉकडाउन है इसकी तो कोई डेट निश्चित नहीं है, आप चिंता मत करें, 27 तारीख को प्रधानमंत्री जी फिर सभी मुख्यमंत्रियों के साथ फिर वो मीटिंग कर रहे हैं, उसमें कोई नए कदम भी उठाए जाएंगे और भी रिलीफ होंगे। कोरोना से बचाव के लिए सिरसा वासियों को क्या संदेश देना चाहिए? कोरोना के लिए तो ये विश्वव्यापी समस्या है और हमने जिस तरीके से स्ट्रगल करके अपने आप को बचाने का काम किया है तो सोशल डिस्टेंस बना करके रखें, जिस तरीके से सरकार हिदायत दे रही है हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा माने। मीडिया के साथियों ने लगातार इसके लिए लोगों को जागरूक करने का काम किया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, मैं तो आपका भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और इसके लिए लोगों को और ज़्यादा जागृत आप करने का काम करें, हम भी करें, सब मिलकर के लड़ेंगे तभी बात है। अभी तक इसकी कोई मेडिकल कोई इस तरह की मेडिसिन तो है नहीं जिससे ये ठीक हो सके, उसमें तो अभी समय लगेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी लगी हुई है, बड़े बड़े डेवलप कंट्रीज भी लगे हुए हैं, हम लोग भी रिसर्च हमारे भी कर रहे हैं। संगठनिक तौर पर जज्बा क्या कदम उठा लीजिए? आज तो इस समस्या से लड़ने का अवसर है, इस कोरोना को लेकर मैं यही कह रहा हूँ कि हमने सबसे पहले मुख्यमंत्री राहत कोष में 51 लाख रुपए की राशि देने का काम किया और अब भी निरंतर लोग दिल खोल करके इस मामले में मदद कर रहे हैं। हमारे पास पार्टी की तरफ से रोजाना अब भी मुझे चेक दे करके गए हैं, कल भी चेक दे करके गए हैं, लोग दे रहे हैं दिल खोल करके, तो ये सहयोग हम निरंतर दे रहे हैं। मंडी में जाकर के आज मैं कहीं भाषण देता हूँ, लोगों के बीच में मजमा लगाता हूँ, तो ये तो एक तरह का अपराध है, आपराधिक कार्रवाई करनी चाहिए उन लोगों को, तुरंत करनी चाहिए। शराब बंद है पूरे हरियाणा में सरकार की तरफ से, इसके बावजूद भी बड़ी खबरें आ रही हैं भी शराब की अवैध तौर पे बिक्री हो रही है। बिक्री हो रही है नो डाउट, मैं खुद कह रहा हूँ और लोग भी जो आते हैं वो बताते हैं, फीडबैक तो हमारे पास भी आता है। शराबबंदी के दौरान भी राजेंद्र जी आप यहीं थे, पता है आपको, हरियाणा में शराब कभी बंद नहीं हुई, घरों में निकाल रहे हैं और आज भी वो उसी तरह की अवैध शराब निकल रही है। मैं तो अपनी भावना व्यक्त करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ सरकार जिस तरीके से दूसरे उद्योगों को दूसरे चीज़ों को रिलैक्सेशन दे रही है, इस तरीके से इस एक्साइज के मामले पर भी ध्यान रखें और शराब के ठेकों को भी एक लिमिट के लिए खोलना चाहिए, अदरवाइज भूच हो जाएगा। अवैध शराब पी करके लोग आज वो गलत केमिकल डाल के एकदम उबाल करके अवैध शराब निकाल ले, कहीं यूरिया से लोग निकाल रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं वो उसकी कोई लिमिट तो है नहीं, वो इस तरह की कहीं बट गई और लोगों ने पी ली तो हजारों लोग मर जाएंगे, सैकड़ों लोग मर जाएंगे, उसका दायित्व भी फिर लोग वही विपक्ष के लोग कहेंगे कि ये सरकार ने किया कि ये क्या क्या कर दिए। तो इससे अच्छा अगर पीने वाला तो पिएगा, उनको अगर इसके कोई लिमिट कर दे, कोई सिस्टम बना दे, कोई एक घंटे के लिए खोल दे, दो घंटे के लिए खोल दे, बाकियों को भी छूट दी जा रही है तो उनको भी दे दे। सर आपके जो भी संगठन रहा है, जो पार्टी रही है, हमेशा किसान हित की बात करती रही है जी, हमारे पड़ोसी प्रांत राजस्थान ने किसानों को इस परिस्थिति के अंदर उभरने के लिए बीज मुफ्त में मुहैया कराने का ऐलान किया है, या आपकी पार्टी हरियाणा सरकार से मांग करे कि किसानों को इस तरह की रियायत दे या मुफ्त बीज दे? मैं तो उसके अलावा दूसरी सुविधाएं देने की भी बात करूंगा, जितनी किसान को आज किसान दिल खोल करके सरकार के हर मामले में मदद कर रहा है और किसान ऐसा है जिसका तो जिस दिन वो बीजने जाता है
उससे लेकर के और जब तक उसकी दुकान तक बेच करके आता है तब तक उसका तो एक एक दाना घटता है ना। ऐसे आदमी को जिसका जो दिल खोल करके हरेक को बांटता है, कीड़ी को भी देता है और भगवान को भी चढ़ाता है, तो उसको मदद करनी चाहिए सरकार को दिल खोल के। सर जैसे कि हमारा पड़ोसी राज्य दिल्ली भी है, वहां पर केजरीवाल सरकार ने जो ई रिक्शा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या जो जितने भी जैसे छोटे वाहन चलाने वाले जो किराए पे चलते हैं उनके लिए 5,000 रुपये महीने की मतलब उन्होंने पेशकश की है, ऐसा हरियाणा में भी कुछ प्रावधान हो सकता है आने वाले समय में? अपने यहाँ इस तरह की समस्या अगर कहीं आपको लगती है सरकार से गुजारिश करेंगे तो करनी चाहिए। जैसे छोटे लोग ई रिक्शा है, थ्री व्हीलर वाले हैं जिनके आज बिजनेस बिल्कुल बंद पड़े हैं, काम नहीं है उनके पास, खाने को कुछ नहीं है, उनके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ हर वर्ग की।